कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे आतंकी हमलों व अत्याचारों के विरुद्ध दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपना आक्रोश जताया। आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। और आज इसी मन से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूँ, ये ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो, अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर आम आदमी पार्टी के नेता व सावन पार्क वार्ड के महासचिव संजीव लांबा भी अपनी टीम के साथ जंतर मंतर जन आक्रोश रैली में पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए संजीव लांबा ने कश्मीरी पंडितों की हो रही आए दिन हत्याओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाजपा है जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है और ये सत्ता में भी हिंदुत्व के नाम पर आई है, लेकिन इनको अब कश्मीरी पंडितों का कुछ भी हाल मालूम नहीं है। वहाँ पर कितने इनसिक्योर है और कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हमारा यही है, केजरीवाल जी का और हमारी आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो भी कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से मूव हो रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, उनको वहीं पर सुरक्षा देकर वहीं पर टिकाए, ये ऐसा हमारा मानना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से ये जो बात है पूरे विश्व, पूरे देश और पूरे विश्व तक पहुँच रही है। और जिस तरह से कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, हम चाहते हैं उनको सुरक्षा मिले और उनका पलायन रुके। हम बीजेपी सरकार से सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए जिससे वो पलायन ना करें, जो उनका अधिकार है वो अधिकार उनको दिया जाए। हम बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, जैसे बीजेपी हिंदू हिंदू करके सब लोगों को हिंदू हिंदू करके सबसे वोट मांग रही है और वहीं कश्मीर में हिंदू पंडितों को भगा रही है। हम ये चाहते हैं कि उनके अत्याचार को रोका जाए और उनका पलायन जो हो रहा है वो जा रहे हैं, उनको सुरक्षित कश्मीर में ही रखा जाए। हम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस और प्रोटेक्शन मांगते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए और आज हम इसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी पूरी डिमांड यही है कि उनका पलायन रोका जाए और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो कश्मीर में स्थापित हो सके और वहीं पर ही रहे और उन पर कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि उन्हें भी पूरा इंसाफ मिले और उन्हें भी पूरा प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो हमारे जैसे आराम से रह सकें, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हाँ, मैं सबसे पहले तो वजीरपुर विधानसभा से संजीव लांबा जो जंतर मंतर पर हम सबको यहाँ ले करके कश्मीर के समस्या के पंडितों को जो हत्याएं हो रही उनको बंद करने के लिए जो लाए हैं, उस मैं लांबा जी का धन्यवाद करता हूँ।